मैं आभारी हूँ दखल चैनल का, आज उन्होंने मुझे आदेशित किया है कि वो कविता सुनाइए जो आपने विश्व हास्य कवि सम्मेलन में सुनाई थी। एन टी रामाराव उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उस समय आंध्र प्रदेश में राज्यपाल हुआ करते थे और 55 देशों के लोगों ने इस हुमर कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। आइए वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। कभी ऐसा अवसर आए, मौका आए कि लोकतंत्र है, कवियों को भी एक मौका दे दिया जाए, कवियों की भी सरकार बना दी जाए, तो फिर हमारा घोषणा पत्र क्या होगा। लीजिए सुनिए। राजनीतिज्ञों की बढ़ती हुई तंदुरुस्ती से चढ़कर देश की जनता ने कवियों पर विश्वास किया और उन्हें म्युनिसिपैलिटी से लेकर लोकसभा तक के चुनाव में भारी बहुमत से जीतवा दिया। बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति जी ने सरकार बनाने के लिए बुलाया, लेकिन अफसोस कि हफ्ते भर के इंतजार के बाद भी कवियों का कोई सर्वमान्य नेता सरकार बनाने नहीं आया। देश में उठाए संवैधानिक विवाद को निपटाते हुए राष्ट्रपति जी ने 21 सदस्यीय बेडरूमी कवियों की सरकार गठित कर दी और सभी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। कवियों की सरकार ने भी तुरंत फुरत अपना बहुसूत्री निजी पत्रक जनता के सामने प्रस्तुत किया तो जनता ने उसके प्रारंभिक सूत्रों को देखते ही अपना माथा ठोक लिया। पहला सूत्र था, देश हमारी नीतियों से खुशहाल होकर नाचेगा, गाएगा, तालियां बजाएगा। जब प्रत्येक प्रांत के मुख्यमंत्री को 2-2 लाख कविता उत्पादन का लक्ष्य सौंपा जाएगा। अब खेतों में मुक्तक, रुबाई, सवैया के उन्नत बीज डाले जाएंगे, इस प्रकार कविताओं की लहलाती हुई फसल उगाएंगे। जिन्हें तुक मिलाना आएगा वही चुनाव लड़ने के योग्य पाया जाएगा। अधिकारी कविताओं में आदेश प्रसारित करेंगे और हमारे दुश्मन टैंकों, तोपों, मिसाइलों, गोलों की बजाय छंद, दोहे, छप्पे, सोटों से मरेंगे। नौकरियों में कवियों के लिए 100% पद आरक्षित रखे जाएंगे और शहरों, कस्बों, गली कूचों, चौराहों के नाम मशहूर कवियों के नाम पर, जैसे पागल नगर, सांड सड़क, सूंड कॉलोनी, भोपू चौराया, सनीचर गली, फटीचर मोहल्ला चमकते हुए नजर आएंगे। हॉस्पिटल में मेजर ऑपरेशन के समय रोगी को क्लोरोफार्म की जगह नई कविता सुनाई जाएगी ताकि ऑपरेशन के पूर्व ही रोगी को सदा सदा के लिए संतोष की नींद आए। और जिस कुंवारी कन्या में कविता सुनने का धैर्य पाया जाएगा उसे ही शादी योग्य है सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इस पुनीत कार्य हेतु नियुक्त किए गए धूमकेतु लॉटरी का उपयोग कर कुछ गलेबाज सुंदरी, जिन्हें कवित्री कहना पड़ेगा, चुनी जाएंगी। वही राष्ट्र के मनोरंजनार्थ गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दादरा ठुमरी गजल गाएंगी। अब पहलवानों के नाम बदल दिए जाएंगे, गामा, भोलू, कीकड़, दारा, चंदगी राम की बजाय फुक्कड़ जैसे सरल सौम्य नाम रखे जाएंगे। संविधान में संशोधन कर सारे नेताओं को जेलों में बंद रखेंगे, भ्रष्ट नेताओं को उन पर नई नई कविताओं का प्रयोग करेंगे। वे कितना भी रोएं, गिड़गिड़ाएं, विश्व अदालतों में गुहार लगा, भले ही कहें कि हमारी जान ले लो मगर हमें कविता मत सुनाओ, इसके बाद भी हम उनके प्राण नहीं लेंगे, बल्कि सुबह शाम उठते बैठते चाय नाश्ते में उन्हें नवजात कविताएं देंगे, क्योंकि इन नेताओं ने देश के करोड़ों नंगे भूखे लोगों को बरसों भाषण खिलाया है। पानी के नाम पर ठेस, कुंठा, संतरास, बेरोजगारी का जहर खिलाया है। इनके चापलूसों ने गरीबों की बेटियों को दहेज के नाम पर बासंती कफन दिया है और इनके झूठे आश्वासनों के भुलावे में हजारों शंकर, लाखों मीरा, करोड़ों सुकरातों ने हलाहल किया। इन्होंने तो बांधों को खाया, पुलों को पचाया, कारखाने निगल गए। इनके बदहवास ताप पिया गए, नैतिकता, आचरण मर्यादाओं के मापदंड पिघल गए। इन्होंने बच्चों को जवान होने के पहले बूढ़ा बनाया उनकी स्लेट
किताब खिलौने की क्या बात करें, उन्हें दाने दाने से तरसाया है। इन्होंने सीमा की रक्षा करने वाले कर्तव्यस्थ फौजियों को समझौतों की टेबल पर अपमानित किया है और इस प्रकार सत्यमेव जयते की पीठ में विश्वासघात का छुरा घोंप दिया है। इन्हें तो जेलों में बंद रखेंगे, इन पर नई नई कविताओं का प्रयोग करेंगे। ये मैंने दखल के द्वारा दिए गए आदेश के पालन करते हुए कविता सुनाई। मेरा एक ही विनम्र निवेदन है कि लगातार चुनाव परिणामों से लोकतंत्र के पहरेदारों को मिल रहा यह जनादेश कि अब और अधिक जाति घृणा, सांप्रदायिक उन्माद, तुष्टिकरण, ढुलमुल नीति नहीं बल्कि ठोस, स्पष्ट, कठोर निर्णय चाहता है देश। जीरो को जीरो में जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, रिजल्ट जीरो ही रहेगा। फिल्म कितनी भी बड़ी बनाओ, झांकी कितनी भी बड़ी सजाओ, हीरोइन भी हो टॉप, मगर मेरे बाप अगर हीरो ढीला है तो चवन प्रास से शिला जीत तक कुछ भी खिला ढीला ही रहेगा। अतः ढीलों को हटाओ, उनके स्थान पर संघर्षशील, जुझारू, चिर यौवन व्यक्तित्व वाले राष्ट्रवादियों को आगे लाओ, राष्ट्रवादियों को आगे लाओ, राष्ट्रवादियों को आगे लाओ। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।